वेलकम टू स्पीड अर्निंग टॉक। टेक्निकल एनालिसिस पे पहले हमने काफ़ी सारी बातें की। टेक्निकल एनालिसिस को आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी या करेंसी में एक ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। ये जो बिहेवियर है किसी भी तरह के बाजार का, चाहे चार्ट्स आपने बनाए हों ना बनाए हों, देखे हों नहीं देखे हों, कहीं मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन तरीका एक ही होता है। एक्चुअली चार्ट है क्या? मैं लगातार किसी चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसमें मुझे नज़र आएगा कि ये चीज़, जैसे टाटा मोटर है, मुझे दिखा कि ये 420 से ऊपर चला, फिर 460-470 तक गया, फिर वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया था, 440-445 गया, फिर वहाँ से 520 चला गया, 520 से फिर 460 आ गया है। तो लगातार ऑब्जर्व करते हुए अगर आप मुझे 3-4 सालों का मूवमेंट कुछ हो गया तो मुझे लगभग याद सा हो जाएगा। तो वो सारे जो लेवल हैं वो लेवल मेरे दिमाग में आ गए हैं। तो चार्ट दिमाग में बनता है, फिर वो कागज़ पे दिखाई देता है। तो कागज़ पे जब आप चार्ट को देखते हैं तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है, आपको ध्यान आ जाता है कि ये किस किस टाइम पे एग्जैक्टली हुआ है, और आपको पूरी चीज़ें एक साथ दिखती है। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो हम पिछले हमारे 14-15 सालों के तजुर्बे में कुछ बड़ी बड़ी बातें ध्यान में आई जो बड़ी गहरी हैं, तो उन बातों को, उन रूल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक दिन अगर बड़ी गिरावट हुई है किसी भी स्क्रिप्ट में या मार्केट के इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में गिरावट हुई है, एक दिन गिरावट हो गई, दूसरे दिन गिरावट हो गई, और बाजार को अगले दिन गैप अप खुलना चाहिए था लेकिन वो गैप अप नहीं खुला, वो फ्लैट खुल गया। फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर सेलिंग आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर सेलिंग आ जाती है। ऐसे में अगर वॉल्यूम बढ़ने के साथ उसने लो तोड़ दिया तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, जैसा कि आज 16 अक्टूबर को निफ्टी में हुआ। निफ्टी में पहले गिरावट हो चुकी थी, निफ्टी को गैप अप खुलना चाहिए था लेकिन वो फ्लैट खुल गई। फ्लैट खुलने के बाद वो कुछ 8-10 पॉइंट प्लस गई, फिर माइनस आ गई, फिर प्लस गई, फिर माइनस आ गई। बहुत कशमकश चल रही थी बायर्स और सेलर्स के बीच में। एक बार वो 25 पॉइंट तक प्लस चली गई लेकिन उसके बाद वापस माइनस आ गई, उसने अपना लो तोड़ा वॉल्यूम के साथ और 125 पॉइंट माइनस हो गई। तो ये चीज़ आप क्रूड में भी देख सकते हैं, कमोडिटी में, क्रूड में इसी तरीके से। क्रूड में पहले 300-400 पॉइंट की गिरावट हुई तो एकदम से 100-150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आई, और वो शॉर्ट कवरिंग टिकी नहीं, फिर से वो माइनस में खुला और उसके बाद वॉल्यूम के साथ उसने लो तोड़ा, तो अपना 52 हफ्तों का लो भी तोड़ दिया, ऑल टाइम लो भी तोड़ दिया, और फिर एकदम गैप डाउन खुला और वहाँ से भी लगातार गिरता चला गया। बाजार कन्फ्यूज्ड, डरपोक और सुस्त लोगों को मौका नहीं देता। कन्फ्यूज डरपोक और सुस्त लोग कौन होते हैं? एक जो आंकड़ों को सामने रख के नहीं देखते, वो जो अंदाजे लगाते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने एक 6 महीने का चार्ट, साल भर का चार्ट और 10 साल का चार्ट सामने रख के देखेंगे तो काफ़ी कुछ वैसे ही समझ में आने लग जाएगा। फिर दूसरी चीज़, डरपोक लोग। डरपोक ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार पहले सारी दुनिया चल ले इस पुल पे ही, अगर ये पुल टूटेगा नहीं तो फिर हम चल देंगे। तो जब आप पहुंचोगे दूसरी पार, तब तक वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होगा, क्योंकि आपने सुरक्षा मांग ली तो सुरक्षा की कीमत होती है। सुरक्षा की कीमत है कि सारा फायदा 80% गायब हो जाएगा, तब आपको सुरक्षा मिलेगी। और फिर सुस्त लोग जो मेहनत तो कर रहे हैं थोड़ी बहुत, इधर उधर बात कर ली, इधर उधर चार्ट देख लिया, लेकिन जब तक पानी नहीं निकले तब तक कुएं खोदने की ज़रूरत जो होती है कि मैं जब तक डिसीजन नहीं ले लूँ तब तक स्टडी करूँ, वहाँ तक काम करने की बात होनी चाहिए। तो सपोज एक JP एसोसिएट पिछले महीने की बात है, बहुत तेज़ी से बाजार गिरा और उसने बहुत बड़ा लो बनाया, करीब 25-27% माइनस हो गया था और उसने लो बना दिया था 22-23 रुपए के आसपास का। तो आप ये देखिए कि उस वक्त तो निफ्टी 8100-8200 के आसपास थी, बाजार उतना बुरा भी नहीं था, और उस दिन जो रेट मिला JP का, अगर किसी ने 23-24 रुपए पे JP खरीद रखा है तो आज तक JP एसोसिएट 29-30 पे चल रहा है। तो वो जो दिन था, इस तरह की बड़ी गिरावट किसी भी स्टॉक में आती है किसी कारण से, तो उसको अगर आपने वहाँ खरीद लिया तो आगे पूरा बाजार गिरेगा तो भी आपको बेस्ट प्राइस दोबारा नहीं मिलेगी और उसमें आपको प्रॉफिट ही दिखता रहेगा।
तो कमोडिटी में सिल्वर एक बार बहुत गिर गई थी, पिछले महीने की बात है, तो वो गिर के वहीं पड़े हैं। कोई ये सोचे कि ये तो यहीं पड़ा रहेगा, जिस दिन चलना शुरू करेगा और टिक के स्थिर हो जाएगा उस वक्त मैं इसमें चढ़ूंगा, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जिस दिन बहुत बड़ी गिरावट हो रही है और वो गिरावट अनरीजनेबल है, तो वहाँ पे आपको पार्ट पोजीशन तो बना ही लेनी चाहिए, ठीक है। और जब आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ चलने लग जाएगी तो दौड़ के चढ़ जाएंगे, तो बाज़ार कभी मौका नहीं देता। बाज़ार ऐसे करता है कि जो चीज़ कल आपको 23 रुपये में मिल रही थी, आज वो खुली 25, 50, 26 रुपये, परसेंटेज में वो 7%, 8% ऊपर। अब आपका दिमाग कहता है कि यार वहाँ लेना था, अब यहाँ लेने से क्या मतलब। तो कई बार तो मैं कहता हूँ कि रस्सी जल जाती बल नहीं जाते। तो आदमी ने 23 का मौका खोया, 26 पे चीज़ अभी भी मिल रही है, लेकिन वो कहेगा एक काम करो 25 लगा के रख दो। फिर वो 26-50 हो जाएगा तो वो कहेगा 25-50 लगा दो। और जब वो 27-50 हो जाएगा तो कहेगा सामने से ले लो। और 27-50 से थोड़ा सा करेक्शन आया और वो 26-50 दिखा तो बोले निकाल दो यार, ये तो फिर लुढ़क रहा है। तो गलती कहाँ हो गई? जहाँ सबसे कम रिस्क था वहाँ हमको सबसे ज़्यादा दिख रहा था, और जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क था वहाँ पे इम्पल्स की वजह से हम दौड़ के चढ़ गए, अल्टीमेटली थोड़ा सा फंस गए। ऐसे करके चीज़ें छूट जाती है। तो जब ट्रेडर इंतज़ार करते करते थक जाता है, वहाँ से स्टॉक पलटना शुरू करता है। अभी जैसे DLF की बात करूँ, DLF में लोग फंसते कैसे? लोग सोच के बैठे हैं कि मुझे DLF लेना है। आदमी बाजार में पैसा कमाने आया है, वो तो चीज़ छूट गई। अब उसके दिमाग में आ गया कि मुझे DLF लेना है। अब DLF लेना है तो 200 से 180 हुआ, मैंने ले ली और आराम से लेता आदमी ये सोच के इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, तो एक काम करो फिर नहीं मिलेगा ले लो 500। फिर 180 से 160 गया, बोले यार थोड़ा ज़्यादा चला गया, ऐसा क्या हो गया, बाजार तो अच्छा ही है, एक काम करो 300 और ले लो। तो 160 पे वो 300 ले लिए, अब उसके पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। अब 160 से 170 हुआ और फिर वही लगा कि यार ये तो भाग रहा है, 160 पे ज़्यादा ले लेने थे। 170 पे आपने फिर कहा कि एक काम करो 300 और ले लो। अब 170 पे लेने के बाद में वो शॉर्ट कवरिंग आई थी, शॉर्ट कवरिंग के बाद में सीधा गैप डाउन खुला अगले दिन 158। अब क्या करें? तो ठीक है, अभी थोड़ा सा गिरेगा, पलट जाएगा। वो 158 से गिरते गिरते 145-140 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यार कितना पैसा फंस गया बाजार में। और एक दिन वही DLF आपको दिखा 125 रुपये। अब 125 ऐसी चीज़ हो गई कि आपने पहले एक सिलसिला बना रखा है 180, 160, 170 का, तो 125 पे आपको लेना ही पड़ेगा। इस तरह का टेम्पटेशन आएगा कि यार अभी वहाँ लिया तो यहाँ क्यों नहीं ले रहे, तो पैसा तो है नहीं आपके पास। तो उल्टा काम ये होगा कि सबसे कम रेट पे आप सबसे कम क्वांटिटी खरीदोगे, क्योंकि पैसा तो पहले ही ख़त्म कर चुके हो। तो 125 पे आपने कहा चलो एक काम कर 100 शेयर यहाँ भी ले लें, और वो 125 से भी आपको 101 जब दिखाता है, आदमी की जान निकल जाती है। उसके बाद उसको लगता है मैं बर्बाद हो गया, और 101 पे आप कुछ मुंह भी नहीं खोल पाते, आपका दिमाग घूम जाता है और फिर वहाँ से पलट के वो वापस 115-120 आता है। तो जहाँ से आपका सारा पेशेंस ख़त्म हो जाता है, आपकी आखिरी आह भी निकल जाती है, तो वहाँ जाके मार्केट को थोड़ी बहुत दया आना शुरू होती है। तो जब ट्रेडर को सबसे ज़्यादा रिस्क लगता है वहाँ सबसे कम रिस्क होता है, सबसे कम रिस्क लगता है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ आपको लगता है खतरा नहीं है वहाँ खतरा एकदम बढ़ चुका होता है। तो सपोज़ किसी ने 22 रुपये के 23 रुपये के JP एसोसिएट को 27-28 क्रॉस करने के बाद सोचा कि अब चलो ठीक हो गया मामला, अब ले लेता हूँ 29 पे, तो 29 पे लेते ही बार बार आपको 28-27 देखने की नौबत आ जाएगी। फिर है अगर लॉस मेकिंग चीज़, अब DLF की जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं खरीदने के लिए ही खड़ा हूँ तो बहुत जल्दी मैं उस चीज़ को गलत प्राइस पे ले लूँगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में फंसा हुआ हूँ। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने गए हैं और अगर आपकी आंखों में दुकानदार को ये दिख जाए कि आप तो लेने को बिल्कुल बेताब खड़े हो, तो कभी भी रेट नहीं टूटेगा। उसको दिख गया है कि आप लेने ही वाले हो,
तो वो जो 180 रुपए की चीज है वो 170 के नीचे देने वाला नहीं है। अगर आप दुकान छोड़ के चल देते हो कि भाई अभी मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं चाहिए, तो फिर वहां से 140 150 का रेट भी आपको मिल सकता है। वही बात यहाँ पे है कि डीएलएफ 180 से टूट रहा था, आपने सोचा कि ठीक है दो तीन महीने बाद देखूंगा, भरोसा कुछ नहीं इसका, दो तीन महीने बाद जो भी रेट होगा देखेंगे क्या सीन बनता है, तो आपको लेना ही नहीं था अभी, इसलिए फिर आपको 105 110 का रेट आराम से मिलता और आपकी ऐसी कॉस्ट एवरेजिंग होती कि 15 दिन के अंदर ही डीएलएफ जैसे 140 45 क्रॉस करता आप प्लस में आ जाते। तो ब्रेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को ब्रेक करना सीखिए, क्योंकि आपने सुबह सुबह अगर आपका लॉस मेकिंग एक्सपीरियंस चल रहा है कि भाई तीन स्टॉप लॉस एक लाइन से टूट गए और समझ नहीं आ रहा बाजार में क्या हो रहा है, रुक जाओ, सीधा स्क्रीन छोड़ो, बाहर जाओ, एक मूवी देखो, दूसरे काम करो, दूसरे लोगों से मिलो, जो करना है करो, बाहर जाओ। 2:30 बजे जब आप वापस आओगे तो समय सबसे बड़ा मरहम है। एक बार आप उस कंटिन्यूटी के बाहर चले गए तो आपको फिर वही समझ आ जाएगी, वही बैलेंस आ जाएगा कि वापस आओगे तो सही चीज देखोगे, नहीं तो कंटिन्यूटी को ही देखते रहोगे। तो जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, वो उसको दूध पीने की आदत है, ब्रेस्ट फीडिंग की आदत है, उसको आप दो दिन के लिए छोड़ दीजिए, मतलब दो दिन के लिए अगर वो अपनी उस हैबिट को छोड़ दे, तीसरे दिन से वो हैबिट उसकी हमेशा के लिए छूट जाती है। ऐसी मार्केट में पुराने अनुभवी लोग कहते हैं, जब आप कुछ भी समझ नहीं आए, नुकसान बार बार हो रहे हो, बार बार स्टॉप लॉस टूट रहे हो और बाजार गिरता चला जा रहा हो, तो 5-7 दिन के लिए कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो, बैठ जाओ चुपचाप, जो भी करेंगे 7 दिन बाद करेंगे। आपने पोजीशन को कंट्रोल में ले लिया, आपके पास 1000 शेयर पड़े थे, आपने 500 बेच दिए और फिर 7 दिन के लिए बैठ गए, जो भी होगा देखेंगे बाद में कर देंगे, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ये कुछ टेक्निकल रूल्स मैंने अभी बात की, आगे भी हम इस सीरीज में बात करते रहेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप हमको लिख के मेल कर सकते हैं, फिर बाद में हम उसको फ़ोन पे डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे, या फिर उससे कोई नया टॉपिक बनता होगा जो आपको क्लैरिटी देगा तो आपको उस तरह के नए लेसन्स मिलते रहेंगे। तो आप हमें बताते रहिए आपको किस किस बारे में डिटेल जानना है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आपको हर वो चीज़ सिखा सकें जो आप सीखना चाहते हैं, और वैसे मार्केट के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है ए से लेकर जेड तक वो पूरा देने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।